खतरों के खिलाड़ी सीजन 13 के कॉन्टेस्टेंट शिव ठाकरे के लिए एक बहुत अच्छी बात कही है उनके एक खास मेंबर ने। आपको बता दो, एक खास इंसान और खास शुभचिंतक ऐसे हैं जो शिव ठाकरे को ना केवल ये देखना चाहते हैं कि वो जीत के आए, बल्कि उनका कहना ये है कि खतरों के खिलाड़ी जैसे शो शिव ठाकरे के लिए ही बना है। अगर कौन है शिव ठाकरे के शुभचिंतक और कौन चाहते हैं कि शिव ना केवल जीत के आए बल्कि खतरों के खिलाड़ी में एक इतिहास रच के आए, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बताते हैं आपको कि आखिरकार शिव के लिए इतना बड़ा स्टेटमेंट किसने दिया है। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम टू फिफा फूज, मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और शो के होस्ट तृप्तिस्वर। आपको बता दूं, यूं तो शिव ठाकरे सभी के दिलों पर राज करते ही हैं, रियलिटी शो के किंग भी कहला रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि खतरों के खिलाड़ी में आना उनका एक ड्रीम था, लेकिन जो इस साल इस सीजन में पूरा हो गया। खतरों के खिलाड़ी के लिए जब इन्हें ऑफर आया तभी तो उन्होंने खुल के कभी किसी को बताया नहीं, लेकिन जब ये ऑफर को एक्सेप्ट कर गया और इनका फाइनलाइज हो गया शो के लिए, तब इन्होंने ओपनली सभी के सामने आके इस बात को एक्सेप्ट किया। साथ ही इस बात के बारे में कहा कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ शो के लिए। मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान शिव ठाकरे के मंडली के खास मेंबर साजिद खान ने जब उनसे पूछा गया कि शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी के शो में जा रहे हैं, इस पे आपका क्या रिएक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे अपने मंडली के खास मेंबर के बारे में जिसने मंडली का शुरुआत किया है, उस पे साजिद खान कहते हैं कि नो डाउट शिव ठाकरे ये स्टंट बखूबी बेहद बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करके आएगा, हमें उतना पता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि शिव ठाकरे के लिए ही ऐसे सब शोज बने हैं, शिव ठाकरे खतरों के खिलाड़ी जैसे शोज के लिए ही बना है, और उसको ऐसा ऑफर मिलना बहुत बड़ी बात है, अच्छा है। रियलिटी शो का वो किंग है, उसने बिग बॉस से पहले भी एक और बिग बॉस मराठी सीजन किया है, उसके पहले रोडीज किया था, अब वो खतरों के खिलाड़ी में नजर आने वाला है। उसके बाद बहुत अच्छे अच्छे ऑफर लगे, वो डेफिनेट की बात है आगे आने वाले टाइम में एक राइजिंग स्टार है, वो उभर के आने वाला सितारा है। और मैं शिव ठाकरे के लिए इतना ही विश करूंगा कि जीत के आ, ट्रॉफी लेकर आ और अपना नाम बखूबी बना के आ। बिग बॉस में बेशक वो नहीं जीत पाए, लेकिन कहते हैं ना असली में विनर वो होता है जो लोगों के दिल को छू जाए, जो लोगों के दिलों में अपने स्पेशल जगह बना ले। ऐसा नहीं कि एमसी स्टैन का लोग पसंद नहीं करते, नो डाउट एमसी स्टैन भी फैन फॉलोइंग के बेसिस पे जीते हैं, लोगों के प्यार की वजह से जीते हैं, लेकिन शिव ठाकरे ने भी कोई कम प्यार बटोरा नहीं है। शिव ठाकरे को भी इक्वली रिस्पेक्ट, इक्वली प्यार और इक्वली सब कुछ मिला है, आखिरकार मंडली की ही जीत हुई है। आफ्टर ऑल शिव ठाकरे के लिए जो स्टेटमेंट साजिद खान ने दिया, इस पर आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के बस इतना ही, और खबरों के लिए आप देखते रहिए फिफा फूड्स।